गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आज हम AWPL के प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि आयुर्वेदिक औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। पहले के दौर में ये आयुर्वेदिक ही थी। आयुर्वेदिक के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि वो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं AWPL यानी कि एलिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग के बारे में। तो चलिए, ये है इम्यूनोडॉग रस और इसके अंदर जो क्वांटिटी रहती है 1000 ml की है इसकी क्वांटिटी। और जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर वो है एप्पल, कोकुम, पुनर्वा, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, जिंजर। ये बढ़िया मात्रा में डाली हुई औषधि है। और इसे लेने की विधि है जो आगे आपको हम बताएंगे। ये पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा 2116 रुपये का और 1000 ml क्वांटिटी है इसकी। लाइसेंस नंबर है, देख सकते हो आप। तो चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, चलो ओपनिंग करते हैं। इस तरह का ये देखिए, ये भी जो प्रोडक्ट है ये बोतल की शेप में है। जो औषधियों की बाहर क्वांटिटी दिखाई गई है वो भी अंदर भी दिखी वैसी है। चलिए बात करते हैं हम इसे कौन सी बीमारियों के अंदर लिया जाता है। अब इम्यूनो के नाम से आया तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या काम करता है। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है हमारा, तो ये उसे बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। और इसको लेने की विधि है 15 से 20 ml सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ लेना होता है, 1 कप गुनगुने पानी के साथ। और लगातार इसको यूज करने से जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, सारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और शरीर में ताकत बनी रहती है। और इसका काम है रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाने का। हमारे शरीर में जैसी भी कमजोरी हो, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, सारियों को ये इम्यूनोडॉग आप यूज़ करोगे तो वो सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले प्रोडक्ट को लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल आयुर्वेदिक अली को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। और हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो
आयुर्वेदिक आप जहाँ कहीं भी पता करोगे आयुर्वेदिक औषधि का कहीं पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदिक जो औषधि है वो नेचुरल प्रकृति द्वारा जो है उससे बनाई जाती है। औषधि जो नेचुरल रहती है एकदम उसी से बनती है। पहले के ज़माने में ये औषधि चलती थी, अब तो मान लो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो उन्होंने ये केमिकल वाली दवाएं जारी कर दी है जो हमारी बीमारियों को सिर्फ दबाती है, उनको ख़त्म नहीं करती है। आयुर्वेदिक है वो जड़ पे काम करती है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो इसलिए आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाए और स्वस्थ रहे। धन्यवाद आप सब सबका, बहुत ही बहुत धन्यवाद।